हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये कि अगर आप पूल के अंदर गाड़ी डालोगे फिर गाड़ी के ऊपर स्टिकी बम डाल के फोड़ दोगे तो गाड़ी उड़ जाएगी। तो पूल के अंदर हम लोग गाड़ी स्पॉन कर लेते हैं 4000 की चीट कोड से पोर्शे। अब इसके ऊपर लगा देते हैं स्टिकी बॉम्ब। अब मुझे समझ नहीं आया कि कैसे फोड़ने बोला है, स्टिकी बॉम्ब से एक्टिवेट करके या फिर RPG से। तो हम लोग दोनों तरीके ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने से ये नहीं फटा है तो अब RPG से ट्राई करते हैं। तो ठीक है, लगा दी है गाड़ी, इस पे मारते हैं RPG। ये मारी और ये भी नहीं उड़ी तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग बाइक से बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते। तो आ चुके हम लोग बाइक लेके बिल्डिंग के पास, और कार से हम लोग वैसे जा सकते हैं ना, तो हमने चिपका दी है बाइक। और इसी ट्रिक से हम लोग कार से भी जाते हैं। शायद से मैं अंदर आ गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, अंदर मुझे नहीं जाने दिया गया है। ऊपर की तरफ फेंक दिया भाई, दीवार पर अटका दिया और आधी हेल्थ भी चली गई। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे चिपका दी है बाइक, उतरते हैं और फिर से मुझे बाहर फेंक दिया। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि अगर 300 वाली कार से स्पीड में एक चलती कार को टक्कर मारेंगे तो हमारा बंदा बाहर आके गिर जाएगा, लेकिन ये और किसी गाड़ी में नहीं होता है। तो 300 से मतलब है हमारी टार्जन वाली कार गाइस। अब इसको हमें फुल स्पीड में भगाना है और किसी भी कार में जाके ठोक देना है। तो देखते हैं ये बाहर आता है कि नहीं। तो फुल स्पीड में आ चुका हूँ मैं, सामने कार है लेकिन ये थोड़ी पीछे रह गई। अब देखते हैं रोड पे जैसे मिलेगी, ये मिल गई, ये ठोकी और मेरा बंदा बाहर आ गया, लेकिन आधी हेल्थ बच गई। चलो अच्छा हुआ। अब दूसरी कार से यही सेम चीज ट्राई करते हैं। तो ये हमने ले ली है दूसरी गाड़ी, इसको पहले फुल स्पीड में कर लेते हैं और सामने रोड पे दिख जाएगी हमें कोई सी भी गाड़ी। चलो रेडी, और गाड़ी दिख गई है और इस पे ठोकी। अरे यार ये तो कट लग गया, तो ये गलत हो गया। थोड़ा और तेजी से और बिल्कुल बीच में टक्कर मारनी है। रोड पे आ गए हैं, गाड़ी आ गई है, ये मारी। ओके, तो बाहर नहीं आया है गाइस, लेकिन और एक बार मार लेते हैं क्योंकि इस बार उतना अच्छा हिट पड़ा नहीं। ये आ गई गाड़ी, सामने ठोकी और मेरा बंदा इससे भी बाहर आ चुका है। तो इसका मतलब ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ है कि 555 से प्लेन स्पॉन करो और उसकी टेल पर RPG मारो और देखो मैजिक। तो ये आ गया हमारा प्लेन। अब इसकी टेल पे हमें RPG मारना है, मतलब इस पॉइंट पे, और प्लेन नहीं फट रहा है गाइस। ये देखो क्या हो रहा है, चलो आर पार तो निकल रहा है लेकिन जब पड़ रही है ना तो ये फट ही नहीं रहा। ये मतलब यहाँ पर पूरा स्टील का बना लग रहा है, पीछे वाली साइड पे आयरन टेल है ये, और इसके आगे थोड़ी मारे तो फट जाता है। तो फिर ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि साइकिल के सिर्फ राइट साइड में ही ब्रेक है, लेफ्ट साइड में नहीं है। तो पहले हम लोग साइकिल को बुला लेते हैं। तो ये आ गई हमारी साइकिल, और आप देखते हैं गाइस इसमें देखो वायर तो निकल रही है, ब्रेक भी है, तो सिर्फ राइट साइड में हमें एक ब्रेक दिख रहा है, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो भाई इसमें तो ब्रेक है ही नहीं। ये कौन सी सिस्टम है यार, नई साइकिल आने लगी क्या ऐसे, क्योंकि मैंने तो चला ही नहीं बहुत सालों से। मैं गरीब हूँ तो हो सकता है यही हो, लेकिन ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि अगर हम मून ग्रेविटी लगाकर साइड से बाइक को लात मारेंगे तो हवा में चली जाएगी। तो गाइस आ चुके हम लोग मून ग्रेविटी की चीट लगा के, अब बुलाते हैं बाइक को और इस पे लात मारते हैं, देखते हैं उड़ेगी कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता है इतने में उड़ जाएगी। तो ये मारा मुक्का, ये मारी लात और भाई निकल गई। ये तो बिल्कुल यार एक्शन हीरो की तरह हो गया, मतलब लात मार दी और बाइकें उड़ गई। तो अगर ऐसे में गोल गोल लगा दूं जैसे गुंडे घेर लेते हैं हीरो को और फिर बाइक मारूं एक एक पे, तो कितना कूल लगेगा नहीं। हम लोग ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मुझे घेर लिया है बाइक्स ने और एक एक करके अब मैं सबको लात मार के उड़ाने वाला हूँ। मार बे, अरे लात मार, ये गई पहली गुंडी बाइक और ये गई नीचे दूसरी। अरे यार सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये इसको मारो। नहीं यार ये मुक्का क्यों मारता है, लात क्यों नहीं मारता ढंग से यार, पूरा एक्शन सीन ही खराब कर दिया। लेकिन गाइस मस्त मिथ है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि हम लोग को ट्रेन से बहुत दूर जाके पटरी में कार को स्पॉन करना होगा, फिर ट्रेन के आते ही हमें जैसे वो टक्कर मारे तो स्लो मोशन में कार में बैठना है, फिर देखो मैजिक। तो मैं लेके आ चुका हूँ अपनी कार को, अब ट्रेन आएगी सामने से और बहुत जल्दी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि यार इतना टाइम मिलेगा नहीं कि ये टक्कर भी मार रही है फिर मैं अंदर भी बैठ रहा हूँ। ट्रेन आ गई है बिल्कुल ही पास, किया स्लो मोशन, जैसे ही टक्कर मारेगी वैसे ही एंटर दबाना है। ओके, ये मारा टक्कर और ये दबाया मैंने, और यहाँ पे कुछ तो हो रहा है भाई। मैं गाड़ी के अंदर बैठ तो रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ हो नहीं रहा गाइस, अभी तक मैं उड़ जाता है ट्रेन से टक्कर खा के लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आ गए हम लोग अंदर, अब मैं इसको फास्ट मोशन में करता हूँ। भाई चटनी बन गई इसकी, तो कहाँ है ये, ऊपर आ गया है भाई ये,
क्या हुआ ये, इसकी बॉडी का है, मुझे लग रहा है गाइस ये अंदर से बाहर आ चुका है, ये पता नहीं क्या हो गया इसको और ये अलग ही उड़ रहा है यार। ये तो ये बिल्कुल हवा वाला ग्लिच हो चुका है हमारे साथ, ये तो कूद भी रहा है, ये बिल्कुल अलग ग्लिच हुआ है गाइस। क्योंकि देखो अपना नॉर्मल ग्लिच होता है ना, उसमें कूद के ऐसे गन वन नहीं चला सकते, इसमें तो हम लोग सब कर सकते हैं गाइस जो हम नॉर्मली करते हैं। देखो हम लोग गन चला सकते हैं, कूद सकते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। अगर मैं गाड़ी स्पॉन करूँ तो वो भी हो जाएगी शायद से यार। ये देखो गाड़ी तक स्पॉन हुई है, लेकिन इसमें बैठ जरूर नहीं सकते हम लोग, बाकी सब कर सकते हैं। इसको मार सकते हैं क्या? अच्छा मैं मार रहा हूँ, नहीं ये अच्छा मैं मार रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था गाइस, लेकिन तब भी देखो हमने मार दिया जैसे हम इसके सामने आए। भाई ये तो इग्नोर करके चला गया। आरपीजी चलाने का स्टाइल देखो गाइस कैसे पकड़ा है बिल्कुल। मैं बगल में मारूंगा वैसे मुझे लग जाएगी, लेकिन हम किसी को भी मार सकते। अच्छा पुलिस भी आ गई है यहाँ पे, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि लेजेंडर की मॉन्स्टर कार नहीं होती, लेकिन यार फॉर्च्यूनर की तो मॉन्स्टर कार होती है, क्योंकि देखो ये है 01000 से मैंने डाला, तो ये फॉर्च्यूनर की मॉन्स्टर ट्रक आ गई। लेकिन हम लोग लेजेंडर की डालते हैं, जो कि आपको मालूम है कि बिल्कुल सेम फॉर्च्यूनर जैसी बनाई गई है, उसका कैसे नहीं आएगा? तो उसका हम लोग डाल के देखते हैं, ये डाला और सही में नहीं आ रही यार, ये क्यों? तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आप स्टिकी मैन बनोगे रात में और जाओगे वॉइड में तो देखो मैजिक। तो गाइस चलते हैं अपन लोग अपने वॉइड के पास। यहाँ पे हेलीकॉप्टर थोड़ा सा टेढ़ा स्पॉन हो गया और मेरे ऊपर ही गिर गया। तो इन्फिनिटी फॉल के पास हम लोग आ चुके हैं। अब दिक्कत है एक, पता क्या दिक्कत है? जैसे कि मैं यहाँ उतरा, मैं यहाँ पे नाइट मोड में स्टिकी मैन बना और उसके बाद मैं गया अपने इन्फिनिटी फॉल में, लेकिन वो जाने का रास्ता अपन को डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यार मैं कैसे जाऊँ? क्योंकि देखो किसी गाड़ी पे बैठ कर जाऊँगा तो वो ग्लिच हो जाएगी, पैदल जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वही देखना है हमें। तो स्टिकी मैन बन चुके हैं, देखते हैं हेलीकॉप्टर हमारा ले जाता है क्या। देखा मैंने बोला ही था यही होगा, साइकिल शायद से लेके चल जाए हम लोग को, देखते हैं। शायद मुझे लगता है पक्का नहीं है, लो ये भी नहीं जा रही यार। घोड़ा ले जा सकता है शायद से हम लोग को, शायद से मतलब बिल्कुल पक्का नहीं है, क्योंकि ये भी फ्लाइंग हॉर्स बन जाता है। ठीक है ऑटोमेटिक चल रहा है, चलो अच्छा ही है। चलते चलते वहां तक पहुंचा दे बस एंड तक, चलो नीचे से। अरे यार ये तो पहले ही गिर गया भाई, ये तो पहले इन्फिनिटी फॉल में गिर गया यार, वहां तक गए ही नहीं। लेकिन तब भी हम लोग आ चुके हैं वॉइड में, तो यहाँ पे मैजिक क्या है मुझे ये देखना है। ओ ये क्या है? ओके गाइस तो यहाँ पे इन्फिनिटी फॉल हमारी गोल दुनिया ही है एक तरीके से, क्योंकि रात में हमें दिख रही है, हमें यहाँ पे ऊपर आसमान दिख रहा है और नीचे खाई, तो मतलब ये पूरा एक वर्ल्ड ही है गाइस। ये पता नहीं कुछ लॉजिक तो है इसमें, कुछ ग्लिच है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन यार अंधेरा इतना कि कुछ दिख नहीं रहा मुझे खास। तो गाइस ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि मेगा रैम पे जाके 700 डायल करके गाड़ी में बैठ के हम लोग को पहले पीछे जाना है फिर आगे जाना है, तो फिर हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी। तो 700 से आती है हमारी लैम्बोर्गिनी, तो पहले पीछे जाना है फिर आगे जाना है, और गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक नहीं चल रही है। रुको पीछे जाना है फिर आगे जाना है, और गाड़ी अभी भी नहीं चल रही ऑटोमेटिक, नहीं समझ में आया मुझे। शायद दोनों को एक साथ तो नहीं दबाना, और फिर आगे छोड़ दूं तो अब चल रही है ऑटोमेटिक। ऐसा अब देखो अब ये कार जो ना ये ऑटोमेटिक चल रही है, आप बटन्स देख सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं दबाया हुआ है गाइस, कुछ भी नहीं, तो ये ऑटोमेटिक चल रही है। और ऐसा नहीं कि मेगा रैम पे ऑटोमेटिक चलती है, रुक जाती है गाड़ी, आप ट्राई करके देख लेना, लेकिन यहाँ पे जरूर चल रही है। तो हमें मिल चुकी है हमारी टेस्ला गाइस, टेस्ला जैसे होगी, और टेस्ला भी गेम में आ जाए तो कितना सही रहेगा गाइस। तो चलो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना अपने अपने मिस ताकि हम उनको ले अगली वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।